अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक नया ग्रामर का लेक्चर लेकर आया हूँ। वो ग्रामर का लेक्चर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप उस लेक्चर को पढ़ने के बाद किसी काबिल हो जाएंगे। काबिल तो पहले ही बहुत हैं, लेकिन इस काबिल हो जाएंगे आपको इंग्लिश बोलने में समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। वो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑक्सिलरी वर्ब्स। स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी का मतलब होता है मददगार, वर्ब्स मतलब वर्ब्स एक्शंस। तो अब मददगार एक्शंस कितनी किस्म के होते हैं स्टूडेंट्स? तीन किस्म के होते हैं। तीन किस्म के जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनमें से पहली ब्रांच है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी ब्रांच है मॉडल ऑक्सिलरी, तीसरी ब्रांच है सेमी ऑक्सिलरी, ठीक है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी इज एम आर वाज वर हैज एव हैड। स्टूडेंट्स ये वो वाले ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिन्हें हम सिंपल यूज़ करते हैं। इज एम आर यूज़ करते हैं, वाज वर हम यूज़ करते हैं, हैज एव हैड यूज़ करते हैं। जैसे कि इज एम आर के बाद वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म भी आती है। ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, एज अ एक्शन वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होते हैं, एज अ मेन वर्ब नहीं स्टूडेंट्स, मेन वर्ब नहीं, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं और एज अ लिंकिंग वर्ब यूज़ होते हैं, ठीक है। वाज वर आप यूज़ करते हैं पास्ट में, ओके okay, इसी तरह ही आप हैज एव हैड भी यूज़ करते हैं प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट के अंदर। लो भी स्टूडेंट्स हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बाद ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज हैं वो ये हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज ये हैं कि स्टूडेंट्स हम इनको अपने डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एक चीज़ और छोटी सी, अगर प्राइमरी एक्सलोरीज के अंदर हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट हो तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास दो चीज़ें और आती हैं, वो आती हैं डू डस और डिड। स्टूडेंट्स ये तीन वर्ड्स और ऐसे हैं जो कि हमारे प्राइमरी एक्सलोरीज होते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में ये यूज़ होते हैं इसी तरह से, ठीक है। हमारा ये डेली की रूटीन के सेंटेंस हैं, इनके बारे में आपसे बात करनी है, ये आपको पता भी, आप यूज़ भी करते हैं। एक्चुअली जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। ये मॉडल ऑक्सिलरीज विल शैल, अच्छा स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनिएगा, विल शैल इसके बाद वुड, जो विल शैल हमारा क्या होता है फ्यूचर, इसका पास्ट हमारा वुड होता है। अब वो कैसे होता है हम आगे एग्जाम्पल से देखेंगे। शुड चाहिए होना होता है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये मददगार वर्ब है। तो शुड के बाद शुड हैव, इसका पास्ट होता है। अब आप ये सोचें नहीं अभी कि इसका पास्ट कैसे होता है, क्या होता है, सब एग्जांपल से बताता हूँ। इस तरह कैन प्रेजेंट है तो कुड इसका पास्ट है, मे प्रेजेंट है तो माइट इसका पास्ट है, और टू ये इसका मतलब भी चाहिए ही होता है, लेकिन और टू को कैसे यूज़ करते हैं आगे बताता हूँ मैं आपको। इस तरह मस्ट है और सो दैट है, ये सारों का यूज़ मैं आगे बता रहा हूँ आपको। ऑप्टेटिव आता है एंड पर, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स में आता है। इसी तरह ही हमारा सेमी ऑक्सिलरीज नीड एंड डेयर। स्टूडेंट्स ये जो छोटी सी जगह है ना ये वाली, ये सारे के सारे हमने वर्ब्स अभी इन एग्जांपल्स में कंप्लीट करने हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स की एग्जांपल मे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से मे से स्टार्ट। अभी आपको मैंने मे से स्टार्ट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट लेना बनता है, पूरा लेक्चर होने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि मैंने मे से स्टार्ट क्यों किया। स्टूडेंट्स आप सुने मे के कितने यूज़ हैं। स्टूडेंट्स मे का फर्स्ट यूज़ है, अच्छा सॉरी, मे का जो पहले मतलब है वो क्या है? मे का मतलब है सीकिंग एंड ग्रांटिंग परमिशन। सीकिंग का मतलब लेना इजाज़त, ग्रांटिंग देना इजाज़त। उसकी एग्जाम्पल देखें, यू मे आई कम इन, क्वेश्चन मार्क आ रहा है एंड पर। अगर नहीं नज़र आ रहा ना तो मैं बोल तो रहा हूँ ना, हर चीज़ बोल रहा हूँ ना, आपको समझ आ जाएगी। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, येस के बाद कॉमा, मे यू। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात पते की बात है कि आपको कम इन आगे कहने की ज़रूरत नहीं है। येस यू मे कम इन, यू मे बस कहकर आप खामोश हो सकते हैं, यू मे कम इन कहने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स श्योर नहीं करें, एनी क्वेश्चन कोई बात हो तो मुझे पूछें, ठीक है। समझ आ रही स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया अभी ये कि येस के बाद कॉमा फिर यू में, यू में मतलब आप अंदर आ सकते हैं। आप अगर आगे कम इन लगाते हैं, एग्जांपल है कि मैं आगे करता हूँ
कम इन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये भी गलत नहीं है, लेकिन हमें बोलने की जरूरत नहीं अमेरिकन एक्सेंट में। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। अगर हमने कहना नो यू मे नॉट, तो स्टूडेंट्स फिर हम कहेंगे यू मे नॉट। इसके अंदर अमकान होता है, ठीक है, सॉरी ये पहला इजाजत वाला है। अब दूसरा चलते हैं, मे का दूसरा यूज वो है पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर क्या होती है, इट मे रेन टुनाइट, मतलब अमकान, उर्दू में कहते हैं अमकान किसी बात में पाया जाए, तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं इट मे रेन टुनाइट। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट। अब तीसरा यूज स्ट्रेस्ड, पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर जिस पे शदीद अमकान हो, ये देखें स्टूडेंट्स शदीद जिस पे अमकान हो, ठीक है। इट माइट रेन टुनाइट, अगर आप ये कहते हैं लो भी आपने बादल देखे, मौसम देखे, आपने कहा जी मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लो भी लगता है आज बारिश हो ही जानी है, शायद आज बारिश हो, इम्कान है कि आज बारिश हो ही जानी है, ठीक है, शायद आज बारिश हो ही जानी है, तो उसके लिए हमारे पास माइट यूज़ होता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि माइट तो पास्ट में यूज़ होता है, लेकिन माइट का एक पास्ट में भी यूज़ है। ये देखें पॉसिबिलिटी इन पास्ट, मैंने पास्ट भी बताना है अभी आपको, लेकिन माइट का इस्तेमाल फ्यूचर में अगर सटनेस्ड करके इम्कान बताया जा रहा हो तो वहाँ पर भी हमारा माइट यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इन पास्ट, इट माइट हैव फैलन स्नो ऑन द माउंटेन। अब पॉसिबिलिटी इन पास्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आपकी ठंडी हवाएं चल रही हैं, यहाँ पर अगर आपके मौसम बहुत अच्छा है, तो आप कहते हैं यार मेरा ख्याल है कि मरी में पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी हो गई है, मतलब हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इट माइट हैव फैलन स्नो ऑन द माउंटेन्स, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि ये हैव क्यों आया अगर पास्ट की बात है, तो पास्ट नहीं है, कोई काम मुकम्मल हो चुका है, हम उसकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और बात नोटिस करें, माइट थर्ड फॉर्म है, मे माइट माइट, और हैव फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आ गई तो उसके पास फर्स्ट फॉर्म नहीं है, फिर हैव के पास फैलना आना है, इस चीज़ को आप छोड़ ही दें। बस आप ये बात याद रखें कि हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, बात मुकम्मल होने की कर रहे हैं कि शायद मरी में बारी बार बर्फबारी हो चुकी है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर माइट के बाद हैव। फिर भी हम एक और पॉइंट अगर डिस्कस करें तो एक बात याद रखें, माइट मददगार वर्ब है, ये चाहे थर्ड फॉर्म है चाहे फर्स्ट फॉर्म, इसका हमें अगर, वैसे तो ये थर्ड फॉर्म है, इसको आप छोड़ें, अगर हम माइट के मायने में इजाफा कर रहे हैं तो हम उसके साथ एक एक्सटेंशन वर्ड लगाते हैं, शायद आपको ये एक्सटेंशन का नहीं पता होगा, एक्सटेंशन होती हैं बी बींग और बी बीन और बींग, ये सिर्फ तीन किस्म की एक्सटेंशन होती हैं। अगर वर्ब सेंटेंस के अंदर, अगर सेंटेंस के अंदर हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाकर उस बात का मतलब में इजाफा करते हैं, बात समझ में आई, हमने माइट के साथ हैव को लगाकर उसकी बात में इजाफा करके उसको हम पास्ट में ले गए, कंप्लीट बात में ले गए, तो इसलिए हमें अगर इस तरह के मायने चेंज करने हो तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक्सटेंशन वर्ड लेना पड़ता है, तो एक्सटेंशन वर्ड है हमारा हैव। तो स्टूडेंट्स एक्सटेंशंस में कभी भी हैड नहीं आता, हमेशा हैव आता है। जी स्टूडेंट्स समझ आई बात की, आप थोड़ा यहाँ आ जाए ना, आपको समझ आई बात की, एक्सटेंशन में हमेशा हैव यूज़ होता है, हैड यूज़ नहीं होता, इसीलिए हमने माइट के साथ हैव की एक्सटेंशन यूज़ की, इसलिए हम यहाँ पर हैव को हैड नहीं कर सकते, ये हैव ही रहना है, और ये बात बेशक आप पास्ट में भी ले जाओ तो कोई इशू नहीं। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, कैन, अब हमारे पास कैन का और कुड का यूज़ है, अभी हमने मे माइट किया, अब हम कैन कुड करेंगे। स्टूडेंट्स मे सॉरी कैन काबिलियत तो अहलियत जाहिर करता है, यू नो आपको पता है, जैसे कि एग्जांपल से समझ आ जाएगा आपको, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ भाग सकता हूँ, ये हमारी काबिलियत तो अहलियत होती है। कुड, अब देखें अगर हम ये कहते हैं कि मैं तेज़ भाग सकता हूँ तो मतलब ये हुआ कि मैं ये भी तो कह सकता था कि मैं तेज़ भाग सकता था, हम सकने का जुमला पास्ट में भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, तो ही कुड रन फास्ट, वो तेज़ भाग सकता था, ये हो गया। अब हम यही बात, ये तो कह चुके हैं हम कि वो तेज़ भाग सकता है या वो तेज़ भाग सकता था, लेकिन स्टूडेंट्स एक सवाल और, अगर हमने यही बात फ्यूचर में करनी हो कि वो तेज़ फ्यूचर में चले जाएं, हम जैसे कि ये देखिए एग्जांपल है, ही विल बी एबल टू ड्राइव अ कार, वो कार चला सकता होगा, देखें वो भाग सकता है, वो भाग सकता था, अगर इसी बात को हमने फ्यूचर, हम फ्यूचर में भी तो कह सकते हैं ना कि वो गाड़ी चला सकता होगा, वो ट्रेन चला सकता होगा, वो तेज़ भाग सकता होगा। दूसरा जुमला क्या है,
वो तेज़ भाग सकता होगा, और भी लगा लें वो मेहनत कर सकता होगा, वो बहुत मेहनत कर सकता होगा, बहुत से ज़्यादा पढ़ सकता होगा। इस तरह की बातें हम फ्यूचर में भी तो कर सकते हैं ना। सो स्टूडेंट्स कैन और कुड को फ्यूचर में हम विल या शैल, यहाँ पे मैंने शैल नहीं लिखा, विल या विल या शैल, फ्यूचर के अंदर विल या शैल के बाद कैन और कुड नहीं आता। विल या शैल के बाद बी एबल टू की एक्सटेंशन आती है, क्योंकि देखो हमने विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम लोगों ने बी एबल टू लगाकर क्या कर दिया है, इसके साथ हमने बी एबल टू लगाकर एक्सटेंशन बनाकर सकता है कि मीनिंग को बीच में ऐड किया है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ही विल बी एबल टू ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चला सकता होगा। अब समझ आई, फ्यूचर के अंदर सकता होगा चला गया तो ही विल बी एबल टू ड्राइव अ कार। इसी तरह अगर इसको हमने नेगेटिव करना है तो स्टूडेंट्स एक बात और याद रखें, अगर हम ये कहें ही क्वेश्चन मार्क ले आए, विल ही क्वेश्चन मार्क और सॉरी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, अगर इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करना हो तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें विल ही नॉट बी एबल टू ड्राइव अ कार। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात नोटिस रखनी है, जो हमारे एक्सटेंशंस के वर्ड होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनके दरमियान में हम कोई चीज़ नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर हमने इसको सवालिया करना है तो देखें बेटा, विल शुरू में गया, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, और अगर नोट का जुमला है, ठीक है, नोट के जुमले में आप ही सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा सकते हैं, क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब शुरू में चला गया और सब्जेक्ट के बाद नोट आ गया, हमारी एक्सटेंशन वहीं की वहीं है, बी एबल टू ड्राइव। ओके, एक्सटेंशन के अंदर कुछ नहीं लगाना, ना नोट लगाना है ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना है, एक्सटेंशन वहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सकता है, सकता था और सकता होगा, ये तीनों सवाल हमारे कैन कुड और शैल बी एबल टू और विल बी एबल टू में क्लियर हो गए। अगर इसमें क्वेश्चन मार्क भी आ जाए तो वो क्या होगा, एक्सटेंशन नहीं छेड़ेगी। तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, वो बताया था कि जो हैव है वो एक्सटेंशंस के लिए यूज़ अगर होता है तो हैव यूज़ होता है, कभी भी हैड यूज़ एक्सटेंशंस के लिए नहीं होता। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो हम चलते हैं किस पर, हमारा यूज़ है शुड का। नेक्स्ट हमारा यूज़ किसका है, शुड का। स्टूडेंट्स अब देखें, शुड को हम यूज़ करते हैं सजेशन के अंदर, ऐसे ही है, और यू शुड डू योर वर्क सिंसियरली, आपको अपना काम करना चाहिए सिंसियरली, से मतलब बड़ी संजीदगी से करना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स अगर हमने एक चीज़ याद रखें, शुड के बाद मस्ट एंड ओट टू, ये तीन चीज़ें यूज़ करवाई हैं मैंने, शुड मस्ट एंड ओट टू। स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तानी इंग्लिश में पता क्या होता है, हम कहते हैं शुड का मतलब, अब एक बार याद रखिए, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, और ओट टू का मतलब भी चाहिए होता है। जी स्टूडेंट समझ में आ रही है बात, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, और ओट टू का मतलब भी चाहिए होता है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम यहाँ कहते हैं शुड का मतलब चाहिए होता है, मस्ट का मतलब ज़रूर चाहिए होता है, और ओट टू का मतलब होता है किसी अखलाकी नसीहत के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स एक बार याद रखें, अंग्रेज़ इस तरह से नहीं तर्जमा करता, अंग्रेज़ कहता है शुड का मतलब चाहिए है, और जब हमने चाहिए पे मज़ीद ज़ोर देना है, ओ भाई तुम इस काम को लाजमी करना चाहिए तुम्हें, जब शुड के मायने में इजाफ़ा करेंगे उसको ज़रूर ज़ोर देंगे तो वो मस्ट बन जाएगा, और जब मस्ट के मायने में इजाफ़ा करेंगे मस्ट पर भी बहुत ज़ोर दे देंगे, जब मस्ट के भी लेवल से ऊपर का ज़ोर देंगे तो वो ओ टू बन जाएगा, ये मतलब होता है। वहाँ पर ये नहीं है कि इखलाकी नसीहत के लिए हमारा ओ टू यूज़ होगा। अब मैं इन तीनों की एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ, शुड का यूज़, मस्ट का यूज़ और ओ टू का यूज़। चलते हैं स्टूडेंट्स, सजेशंस के लिए हमारा यूज़ होता है शुड, आप देखिए सिंपल मायने में, यू शुड डू योर वर्क सिंसियरली, आपको अपना काम बड़ी संजीदगी से करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, यू शुड हैव डन योर वर्क सिंसियरली। स्टूडेंट्स अब देखें, हमने यहाँ पर एक्सटेंशन यूज़ की किसकी, हैव की, तो बताएं एक्सटेंशन में हैड आना है, नहीं। अब हमने शुड हैव कर कर, पहली बात है कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए, अब ये प्रेजेंट में था, अब हमने इसको पास्ट में कर दिया शुड हैव को, मतलब स्टूडेंट्स मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने
शुड हैव को कर दिया, तुम्हें अपना काम करना चाहिए था. ओके तो यू शुड हैव डन योर वर्क सिंसियरली, तुम्हें अपना काम संजीदगी से करना चाहिए था. एक्सटेंशन लगा दी हमने हैव की. आगे नेक्स्ट चलें, हैव की एक्सटेंशन लगा कर ये फ्यूचर बन गया, पास्ट बन गया. अब स्टूडेंट्स एक यूज और है, वो है लेस्ट और शुड का. लेस्ट शुड का मतलब ऐसा ना हो के. लेस्ट शुड का मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो के. ठीक है, दोबारा सुन लें. लेस्ट शुड का मतलब होता है ऐसा ना हो के, और लेस्ट और शुड के दरमियान में सब्जेक्ट लाजमी आता है. ओके तो स्टूडेंट्स ये देखें, लेस्ट सब्जेक्ट एंड शुड इसका यूज करते हैं. वर्क हार्ड, मेहनत करो भाई, सख्त मेहनत करो. लेस्ट यू शुड फेल, ये ना हो कि तुम फेल हो जाओ. ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ. ये ना हो कि तुम फेल हो जाओ. एंज ना हो गया कि तुम फेल हो जाओ. ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ. समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो इसलिए लेस्ट शुड इस्तेमाल होता है. ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अब शुड का एक इस्तेमाल और भी है. स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, इन लेक्चर्स को, इन बातों को ध्यान से सुने. ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेतहाशा इंपॉर्टेंट हैं. आपको ये बातें बुक्स में कम मिलेंगी, नहीं मिलेंगी. कंडीशनल टाइप के अंदर हमारे पास शुड का एक और यूज आता है. शुड यू गो आउट, लॉक द डोर. स्टूडेंट्स शर्त होती है इसके अंदर. इसके अंदर शर्त कंडीशनल टाइप लिखा ना मैंने, तो स्टूडेंट्स कंडीशनल टाइप के बाद एक चीज एंटर होती है, प्लस इंपैरेटिव. स्टूडेंट्स प्लस इंपैरेटिव कर रहे हैं हम बीच में. अगर शुड उस शर्त पर आएगा कि आपका दूसरा जुमला लॉक द डोर ऑर्डर में हो, दूसरा जुमला इंपैरेटिव मतलब इंपैरेटिव का ऑर्डर, अगर तो दूसरे जुमले में ऑर्डर दिया है तो फिर शुड से जुमला शुरू होना है. अगर ऑर्डर नहीं दिया तो फिर जुमला शुरू नहीं होना. अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स ये देखें, शुड यू गो आउट, जब तुम बाहर जाओगे तो लॉक द डोर, दरवाजा बंद करते जाना. अब शुड का मतलब चाहिए में नहीं आ रहा, शुड का मतलब अब ऑर्डर में आ रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीजें नोटिस करें. ठीक है, शुड यू गो आउट, लॉक द डोर. अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कंडीशनल में हमारे पास ये इफ का वर्ड यूज होगा शुड की जगह पे. अगर तुम बाहर जा रहे हो तो लॉक डोर कर जाना. ठीक है, तो इफ की बजाय फिर शुड यूज होना है. स्टूडेंट्स शर्त ये है कि जुमला एक कंडीशनल हो, शर्तिया हो, और दूसरे में ऑर्डर हो. मैं अगेन बता रहा हूँ, शर्त ये है कि पहला जुमला आपका इफ कंडीशनल से स्टार्ट हो, इफ से स्टार्ट हो, कंडीशन शर्त से स्टार्ट हो. अगर तुम बाहर जाओगे, अगर तुम बाहर जा रहे हो, या अगर तुम बाहर जाते हो, अगर तुम बाहर जाते हो तो फिर लॉक द डोर, तो दरवाज़ा बंद कर देना. हुक्म और कंडीशन आ जाए किसकी, शर्त की, अगर तुम बाहर जाते हो. ठीक है, फिर जाके कि ये शुड आना है, अदरवाइज नहीं आना. नेक्स्ट, अब हमारा मस्त स्टार्ट हो गया. स्टूडेंट्स हमारा शुड का यूज़ खत्म हो गया. शुड के कितने यूज़ थे? शुड का मैंने आपको कितने यूज़ करवाए हैं? 1, 2, 3 और 4. स्टूडेंट्स शुड के मैंने 4 यूज़ करवाया आपको. अब हम चलते हैं मस्ट की तरफ. स्टूडेंट्स अब मस्ट देखें, एक मस्ट होता है, एक मस्ट हैव होता है. जिस तरह हमने शुड के बाद हैव लगाकर उसकी एक्सटेंशन बनाकर उसको हम किस में ले गए थे? पास्ट में. इस तरह मस्ट को भी लेके जाएंगे. देखें जी, दे मस्ट गो आउट फ्रॉम हेयर, उसको यहाँ से ज़रूर यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए. ठीक है, अब देखें, दे मस्ट हैव गोन आउट, उसको ज़रूर यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए था. आ गई ना फिर ऊपर वाली बात, शुड हैव करना चाहिए था, तो इस तरह यहाँ पर उसको लाजमी जाना चाहिए था. वो सिंपल में जाना चाहिए था तो ये लाजमी में जाना चाहिए था. ठीक है, लो स्टूडेंट्स हमारा मस्ट और मस्ट हैव दोनों ख़त्म. अब हम चलते हैं वुड और वुड हैव के अंदर. लेकिन सॉरी, मैं आपको मस्ट और मस्ट हैव के बाद ऑटो पे पहले लेके जाऊंगा, फिर वुड पे लेकर आऊंगा बाद में. ठीक है, क्योंकि ये देखिए ना, यहाँ पर आप लोगों को ये वर्ड हम लोगों ने अभी तक नहीं किया वुड का. इसको एंड पर डिस्क्राइब करने का मतलब ये था कि जितनी भी ये तरतीब मैंने लगाई है ये सारी ख़राब ना हो. ठीक है, अभी हमारा एक सो दैट भी रहता है, सो दैट के बाद ऑप्टेटिव भी रहता है. लेकिन ये चीज़ तो पहले मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों से. सॉरी, ऑटो तो डिस, क्योंकि ऑटो फैमिली मेम्बर है. जैसे कि मे माइट सारे फैमिली मेम्बर थे, कैन कुड और शैल वगैरह सारे फैमिली मेम्बर थे, इस तरह शुड और ऑट ये फैमिली मेम्बर है. अब चलते हैं
आखिरी फैमिली मेम्बर डिस्कस करना है, ये मस्ट बी फैमिली मेम्बर है और ये ऑट टू बी फैमिली मेम्बर है, देखते हैं, सॉरी मेम्बर ऑफ द फैमिली, मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली मेम्बर वर्ड नहीं होता, मैं 3 से 4 बार गलत बोल गया हूँ। स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी नहीं बताया, मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है कि फैमिली मेम्बर्स नहीं होता, मेम्बर्स ऑफ द फैमिली होता है, ठीक है। ऑट टू, वी ऑट टू ओबे द लॉ, अब देखिए वी ऑट टू ओबे द लॉ का मतलब क्या होता है, आपको कानून की पैरवी करनी चाहिए, बात खत्म होगी। हमने कानून की पैरवी पर लाजमी से भी लाजमी की शर्त ऐड कर दी, मतलब मस्ट के ऊपर भी स्ट्रेस कर दी हम लोगों ने कि आपको हर हाल में ही कानून को पे कानून की हुक्म अदूली, मतलब हुक्म मानना चाहिए कानून का, यही होता ना ओबे का मतलब। नेक्स्ट, वी ऑट टू पे रिस्पेक्ट टू आर पेरेंट्स, अब देखो यहाँ पर इखलाक़ी नसीहत है, स्टूडेंट्स हमारे अंग्रेज़ों में कोई ऐसा सीन नहीं होता कि इखलाक़ी नसीहत ये तो वो तो ये, ठीक है, सीधी सी बात है, आप शुड पर जोर देंगे तो वो मस्ट निकलेगा, मस्ट पर भी जोर देंगे तो वो ऑटो निकलेगा। स्टूडेंट्स अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, वुड और वुड हैव डिस्कस करने से पहले मैं आपको लेकर आऊँगा सो दैट पर। सो दैट हमारा एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम लेकर चलते हैं, सो दैट इसको हम कहते हैं रीज़न, वजह। अब स्टूडेंट्स एक बात देखिए, सो दैट का यूज़ क्या है, स्टूडेंट्स का सो दैट का यूज़ ये है, प्रेजेंट और फ्यूचर सेंटेंस शुरू में आ जाए और उसके दरमियान में अगर सो दैट आ जाए उसके बाद सब्जेक्ट लाजमी आना है, सब्जेक्ट के बाद आप मे यूज़ कर सकते हैं या माइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें हमारे पाकिस्तान के रूल के अंदर अगर प्रेजेंट और फ्यूचर से सेंटेंस स्टार्ट हो, दरमियान में सो दैट आ जाए, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग माइट का यूज़ करेंगे, समझ आई स्टूडेंट, समझ में आई बात। पाकिस्तानी लॉ के अंदर हमारे पास प्रेजेंट फ्यूचर के बाद, प्रेजेंट और फ्यूचर सेंटेंस के बाद अगर सो दैट आएगा तो उसके बाद सब्जेक्ट और मे का इस्तेमाल होगा, लेकिन अमेरिकन ग्रामर्स में, बाहर की ग्रामर में स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है, वो मे भी यूज़ करते हैं और माइट भी यूज़ कर लेते हैं उसके बाद। ये देखो वैसे जो पाकिस्तानी सूल है वो ये है, ही वर्क्स हार्ड, वो बड़ी सख्त मेहनत करता है, सो दैट ही मे पास, हो सकता है वो पास हो जाए। अब यहाँ पर सो दैट का मतलब क्या है, ताकि, हो सकता है कि वो पास हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मे यूज़ किया ना, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर माइट भी लगा सकते हैं, ओके, लेकिन अगर माइट लगाएंगे तो याद रखना ये अमेरिकन हमारा ग्रामर का रूल है, और अगर मे लगाएंगे तो समझना पाकिस्तानी है। अब हम चलते हैं एक और रूल की तरफ, वो है कि पास्ट, अगर जुमला पास्ट से शुरू हो रहा है उसके बाद सो दैट आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है तो फिर यहाँ पर हर हाल में माइट आना है, लेकिन आप यहाँ पर मे भी यूज़ कर सकते हैं पास्ट के बाद भी। जैसे कि ये देखो अगर मे यूज़ करेंगे तो वो अमेरिकन होगा, ही वर्क हार्ड, वो बड़ी सख्त मेहनत करता है, सो दैट ही माइट पास, तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं ही मे पास। स्टूडेंट्स ये हमारा सो दैट का यूज़ हो गया। अब हम चलते हैं ऑप्टेटिव की तरफ, ये हमारा आखिरी आता है ऑप्टेटिव। तो स्टूडेंट्स ऑप्टेटिव ये बहुत आसान है, जिसमें आप कह सकते हैं ऑप्टेटिव होता है दुआया फिक्रा, जिसमें हम दुआ देते हैं, मे ही पास, आगे आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मे यू लिव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। लो स्टूडेंट्स इसका सिर्फ इतना सा यूज़ था। स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। स्टूडेंट्स एक एक बात जो मैंने आपको बताई है इसको अच्छी तरह से अपने जहन में बिठाएं, इसको ज़ुबानी याद करें, ठीक है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ताला इसी तरह के लेक्चर्स मैं आपको, आप लोगों के लिए लेता आऊँगा, लेकर आऊँगा, इंशाल्लाह मेहनत करूँगा, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गलती कुताही कोई मसला कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट्स करके पूछें, जो भी आपने कमेंट्स देने वो मुझे पूछें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।